भैया वर्तमान समय में मशीन का मूल्य कितना है, तो आप करेंगे 120,000 है। कितना है? 120,000 रुपया मशीन का मूल्य है। अब इसमें जो है 10% की दर से वार्षिक अवमूल्यन हो रहा है, मतलब उसके रेट में कमी आ रही है, गिरावट आ रही है। तो भैया यहाँ पर प्रतिशत में कोई भी मान बढ़ता है तो 100 पर, घटता भी है तो 100 पर, अर्थात कोई भी क्रिया होगी कितने पर, 100 पर। तो भैया यहाँ पर 120,000 में अगर भैया 10% अवमूल्यन हुआ तो इसका कितना हो गया 90%, ठीक है। और अगर इसके बाद जो है वह भी आपका कितना हो जाएगा 90%, आप क्या करेंगे 120,000 × 90/100 × 90/100। अब भैया 0 से 0, 0 से 0, अब 0 से 0, 0 से 0, अब भैया यहाँ पर क्या हो गया, ये हो गया 1200 और गुणे 9, 9 81, ठीक है। अब 1200 और गुणे में 81, भैया यहाँ पर देखिए 0, 0, 12, 12, ठीक है, हासिल लग जाइए 12, 96, 96 और ये कितना हो गया 97। अब ये जो है आपका कितने का हो जाएगा 97,200। इसका मीन से यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस बात को विशेष तौर पे आपको ध्यान दीजिए कि अगर आप इजी वे में समझने का प्रयास करें, भाई वर्तमान समय में आपकी मशीन का मूल्य कितना है, 1,20,000 है, ठीक। अब अगर 10% इसमें गिरावट हुई पहले साल में तो आपको कितने का मिलेगा, 90% उसकी वैल्यू होगी, ठीक। अब 1,20,000 का 90% भैया कितना हो गया 0,0,0,0, 12 × 108, अब कितना हो गया 1,08,000, कितना हो गया 1,08,000 रुपए हो गया, ठीक है। अब दूसरे वर्ष जो अवमूल्यन होगा, अब जो है आपका इस पर घटेगा तभी तो आपका अवमूल्यन कहा जाएगा दूसरे वर्ष के लिए। तो अब आप क्या करेंगे 1,08,000 का 90% / 100 हो जाएगा 100, भैया ये 10% घटाने के लिए 2,0,2,0 से कैंसिल हो गया। अब देखिए अब आप गुना करिए 0, 0, 9, 8, 72, भैया ये हो गया और 9 × 9, तो कितना आ गया 97,200। इसका मीन्स है आपका ऑप्शन बी जो है वह बिल्कुल राइट आंसर था।